नमस्कार, मैं अवनी आनंद और आप देख रहे हैं अजय भारत। आपको बता दें कि राजद बिहार की सबसे बड़ी और सबसे अधिक सीट रखने वाली मजबूत पार्टी में से एक बन गई है। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जी हां, बीती रात को लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती किया गया। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दरअसल रविवार को लालू प्रसाद यादव रात को अचानक लड़खड़ाकर सीढ़ी से गिर गए थे, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई और कमर में भी चोट आई। उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। आपको बता दें, लड़खड़ाकर सीढ़ी से गिरने से उनके कंधे की हड्डी टूट गई, साथ ही कमर में भी हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है, जिसके बाद अब सिंगापुर में होने वाली उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल हादसे के बाद लालू प्रसाद को डॉक्टर ने सिर्फ आराम करने की सलाह दी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को पहले से ही किडनी सुगर समेत कई बीमारियां हैं, इसलिए उनकी कमजोर हड्डी को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। आपको बता दें, पारस अस्पताल के चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ रहमान ने बताया कि अभी लालू प्रसाद की हालत बेहतर है। रात करीब 3:30 बजे लालू प्रसाद यादव को इमरजेंसी में लाया गया था। डॉक्टर आईसीयू में उनका इलाज कर रहे हैं। आज पटना के पारस हॉस्पिटल पहुंचे तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के तबीयत के बारे में बताते हुए कहा कि अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। वहीं आज पटना के पारस हॉस्पिटल पहुंचकर तेजस्वी यादव ने बताया कि अब लालू प्रसाद रिलीफ महसूस कर रहे हैं। कैसी तबीयत? अभी तो रिलीज किया डॉक्टरों ने जी, अभी स्टेबल है। स्टेबल है। रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अजय भारत के साथ।